नमस्कार दोस्तों, एक अभी चूंकि एक महामारी का दौर अभी बहुत तेजी से ऊपर आया और अभी थोड़ा सा जो है ऐसा लग रहा है कि पीछे हट रहा है महामारी का दौर, तो जो इसके पहले मैंने 2019 के पहले जो अर्थव्यवस्था थी, 2019 के पहले जो व्यवस्थाएं थीं और जिस तरीके से लोग जो हैं अपनी आजीविका या पैसा रुपया या जिस तरह से जो है वो अपनी दैनिक ज़रूरतों से लेकर के अपने जो बड़े बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति जिस प्रकार से करते थे, है ना, कहीं ना कहीं उसमें तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। कई सारी इंडस्ट्री जो हैं वो बहुत लंबा समय लगेगा उनको उभरने में और पहले की तरह काम करने में, पहले की तरह हो भी पाएगा कि नहीं इसमें अपने आप में एक शक है। तो मैं इस चर्चा को शुरू करना चाहता हूं अब कि जो है अब अगर जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया कि भाई अब वैक्सीन या टीका जो है इसका कुछ हफ्तों में आएगा या ब्रिटेन में जैसे लगना भी शुरू हो गया है टीकाकरण, तो ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए समाज में और समाज में मैं इसको शुरू करना चाह रहा हूँ वो ये कि भाई अब के दौर में जो है अभी का युवा जो है कोई भी कहीं भी हो, है ना, उसके पास बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन हो, कोई ग्रेजुएट हो, कोई स्कूल पास हो, वो क्या ऐसा कर सकता है कि जिससे वो अर्थव्यवस्था में अपनी 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 योगदान दे सके और खुद भी जो है वो बिना सरकारी मदद के जो है वो कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा हो सके, या उसको यूँ कहा जाए कि वो अपनी दैनिक ज़रूरतों की पूर्ति भी कर सके लेकिन उसके बाद जो है अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी कर सके। तो पैसा कमाने का जो मूल बात है उसको बड़े साधारण शब्दों में रखा जाए कि पैसा कमाने का जो है अभी तरीके क्या हो सकते हैं जो कि एक एक आम व्यक्ति जो है समाज का वो शुरू कर सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब एक बार अगर समाज के 10 लोग 100 लोग जो हैं अगर किसी काम को करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा का रोलिंग शुरू होगा और कहीं ना कहीं उससे अर्थव्यवस्था को बढ़त मिलेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक चर्चा शुरू करना चाह रहा हूं मैं और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी जो है ज़रूर इसमें कमेंट के ज़रिए या अपने टिप्पणियों के ज़रिए आप ज़रूर जुड़ें और एक कुछ इसमें से निकले इस मंथन में से। ये बहुत आवश्यक है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है उसमें ये बहुत ही आवश्यक है कि जो है भारत का समाज में जो है वो लोगों के अंदर जो है पैसे रुपए को लेकर के बहुत ज़्यादा एक आश्वस्तता होनी चाहिए। उससे जो है हमारी इकोनॉमी भी तेज बढ़ेगी और उसके अलावा जो है आपका एक जो इस तरह की समझ होती है कि उसमें हम लोग अपने अपने पैरों पर खड़े हो सकें और दूसरों को भी जो है हम कुछ मदद कर सकें या और भी नए नए कुछ ऐसे अभी जैसे 5G नेटवर्क आने वाला है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगले साल तक हो सकता है कि 5G स्पेक्ट्रम की बोली लगाई सरकार जो है उसको नीलाम करे। तो इसमें भी ये देखने की बात है कि जो है उस टेक्नोलॉजी से जो हमारे हमारे जीवन शैली में क्या परिवर्तन आएगा और उसका लाभ जो है बड़ी आबादी को कैसे मिल सके, है ना, कैसे जो है वो उस तकनीक का लाभ उठा करके और वो ज़्यादा संपन्न और हर तरह सक्षम हो सकें, इस पर जो है अगर अभी से कुछ काम करने की ज़रूरत है, इस पर अभी से चर्चा शुरू करने की ज़रूरत है और ये आम लोगों के बीच ही आम लोगों के साथ ही हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करना उचित समझा और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रूर इसमें रुचि लें और आप लोग ज़रूर इसमें सहयोग करें। तो आज एक शुरुआत हुई है, अब इसको आप जैसे जैसे आप लोगों का फीडबैक मिलता जाएगा वैसे वैसे जो है मैं उसको शेयर भी करूँगा और उसके इतर जो है मैं उसको आगे भी हम लोग कहीं इसको ठोस रूप देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।